आज हम मौजूद हैं अपने शहर के वरिष्ठ सपा नेता और पूर्व चेयरमैन जनाब अरशद जमाल साहब के उनके आवास पे, जो कि बस्तन के नाम से चर्चित है, और उनसे हम ये जानना चाहेंगे आज की वर्तमान राजनीति के बारे में। जैसे कल हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ जिस तरह की घटना प्रदेश सरकार ने की, इसके बारे में जानना चाहेंगे। चेयरमैन साहब, ये बताइए आप कि इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या ये सुनियोजित सरकार की कोई प्लानिंग थी, या कि एक अटरेंडम कोई कार्रवाई की गई अखिलेश यादव का हवाई अड्डे पर रोका जाना, इसे आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, हम जिस देश या जिस प्रदेश में रहते हैं वो लोकतांत्रिक प्रदेश है। यहाँ का सारा सिस्टम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार ही चलना चाहिए, और जो प्रदेश की सरकार है या जो देश की सरकार है, दोनों सरकारों के जो सरकार चलाने का तरीका है वो लोकतांत्रिक नहीं है। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे लोकशाही आ गई हो, इस तरह से हुकुम सादिर फरमा देते हैं। अब इतनी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को छात्रों के कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी में जाना है, उसमें क्या दिक्कत थी आपको? और अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले ही वो इलाहाबाद में गए थे, तब शांति व्यवस्था नहीं भंग हुई, जाके उन्होंने स्नान भी किया और सारी सारा काम किया, लोगों से मुलाकात भी की, और फिर उनका वहां के जो सबसे बड़े महंत हैं उनके दावत पे आपका जाना था, और वहाँ कुछ धार्मिक कार्यक्रम भी आपका था, और उसी में यूनिवर्सिटी के छात्रों का शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें भी सम्मिलित होना था। तो मुझे ये बात समझ में है कि लखनऊ में रोकने का क्या तुक था? आपका हवाई जहाज अगर वहां लैंड करता इलाहाबाद में और आपको कहीं लगता कि शांति व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, तो आप वहां रोकते? और शांति व्यवस्था बनाए रखना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है, और किसी के जाने से, अगर किसी एक व्यक्ति के जाने से शांति व्यवस्था अगर खराब हो सकती है, तो इसका मतलब कि आपका प्रशासनिक सिस्टम बेहद खराब और बेहद कमजोर और बेहद लचर है। आपकी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था एक आदमी के जाने से खराब हो सकती है, और जिस पर आप नियंत्रण नहीं रख सकते, तो ऐसे लोगों को अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए जो किसी एक व्यक्ति के जाने से वहां की शांति व्यवस्था को खतरा महसूस करते हो। ये तो एकदम सरकारी गुंडागर्दी, इसको मैं अगर कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि ये सरकारी गुंडागर्दी है, और सरकार के तंत्र का प्रयोग करके आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने छात्रों का अपमान किया है, और छात्र और नौजवान ही देश में सत्ता ले आता है और सत्ता को उखाड़ के फेंकता भी है, और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा कारण बनेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खत्म होने में, कि आप ना नौजवानों को पूछ रहे हैं, तमाम नौजवान बेरोजगार हो गए हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं। आप ही की संस्था द्वारा जो आंकड़ा आया हुआ है कि 1972 के बाद आज तक इतनी बड़ी बेरोजगारी नहीं फैली थी, कि वो 6.7 के आसपास उसका आंकड़ा पहुंच चुका है, जबकि 2 और 3 के आसपास ये बेरोजगारी का आंकड़ा हमेशा हुआ करता था। तो आपने तो कभी नोटबंदी करते हैं, कभी उस पर बस नहीं चलता, तो कभी GST लगा के जो छोटे और मझोले उद्योग हैं उनको तबाह करते हैं, इनसे भी जब काम नहीं बन रहा है तो फिर अब फर्जी तरीके से तमाम नेताओं पर मुकदमे कराइए, जो जितने आपके संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को आपने अपने लोगों को बिठा के गुलाम बना लिया है। तो ये तो राजशाही का सिस्टम हो सकता है, लोकतंत्र का ही सिस्टम नहीं है, और ऐसे लोगों का समय ज्यादा दिनों तक नहीं होता है, ऐसे लोग जल्दी ही चले जाएंगे सत्ता। क्या आपको ये नहीं लगता कि लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हुआ है जहां किसी सांसद ने पुलिस की लाठी खाई हो, और पुलिस की जो हरकतें जगह जगह देखने में आई हैं, बिल्कुल लग रहा था कि ये जो लोग एक एजिटेशन कर रहे थे, इनके ऊपर पुलिस ने जिस तरीके से बल प्रयोग किया, इसे आप किस शक्ल में देखते हैं? देखिए, इनके पास काम करने के लिए कोई न सोच है न फिक्र है, हर कुर्सी के लिए व्यक्ति का व्यक्तित्व होना चाहिए। और आप जो मुख्यमंत्री जी हैं, इनके अगर इतिहास में आप जाएंगे, जब सांसद हुआ करते थे तो किस प्रकार की इनकी भाषा हुआ करती थी, आप देखिए कि कितने मुकदमे इनके ऊपर कायम है, 302 से लेकर तरह तरह के न जाने कितने मुकदमे कायम हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जिस पर दंगा भड़काने से लेकर हत्या कराने की साजिश का तमाम तरह का मुकदमा खुद कायम है, और उसी को आपने प्रदेश की बागडोर दे दी है, तो उन्हें जाहिर सी बात है कि सत्ता चलाने का तो हुनर था नहीं। सत्ता चलाने का हुनर तो उस वक्त ये होता है जो कुछ दिनों तक किसी कुर्सी पर रहा हो, कभी कोई मिनिस्टर रहा हो, कुछ दिन कोई मंत्रालय चलाया हो, फिर आप धीरे धीरे ले आए उसे आप। लेकिन ये तो चूंकि अब क्या वजह थी, बीजेपी और RSS की क्या मजबूरी थी कि इनको मुख्यमंत्री बना दिया, मैं तो नहीं समझता, और न मैंने 2 साल का समय बीत रहा, और न मुझे महसूस हुआ कि प्रशासनिक क्षमता इनके अंदर है, बदले की भावना से काम करते हैं। देखिए, जो कुर्सी पे व्यक्ति बैठ जाता है
वो किसी एक वर्ग या एक राजनीतिक दल का नेता नहीं रह जाता, बल्कि वो सबका लीडर बन जाता है। तो अब योगी जी अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्हें न्याय करना चाहिए, ना कि अन्याय करना चाहिए। अब आप बताइए कि यही मऊ में अभी एक लेखपाल का घर में घुस के मर्डर हो गया और अभी तक एक आदमी नहीं पकड़ा गया, और आप वहां सांसद एक शांतिपूर्ण धरना दे रहा है तो आप उसके ऊपर लाठी चलवा रहे हैं। आपकी पुलिस का बस यही काम रह गया कि जो चुने हुए व्यक्ति हैं या जो लोगों के प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाइए और गुंडों और लफंगों को आधार छोड़ दीजिए। तो मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि आखिर इन्होंने सदन में कहा था कि ठोक दो, किसको ठोक दो, कौन ठोक दो, क्लियर ही नहीं हो रहा है। पुलिस से कह रहे हैं कि गुंडों को ठोक दो, कि गुंडों से कह रहे हैं कि पुलिस को ठोक दो या नेताओं को ठोक दो। एक अधिकारी मारा गया, अब धीरज सिंह जो लेखपाल थे वो बहुत होनहार व्यक्ति थे और उनको काम करने का एक लगन थी और एक उनकी अपनी कार्यशैली थी और वो कभी भी किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते थे। नतीजा क्या हुआ, गुंडों ने घर में घुस के गोली मार दी और अभी तक एक आदमी पकड़ा नहीं गया। उसमें से पांच लोग थे, पांच लोग मारने वाले गए घर में। तो इस तरह से जो गुंडा राज इस सरकार में कायम हो गया है तो ये ठीक नहीं है, और ये सरकार को नहीं भूलना चाहिए कि हमेशा आप सत्ता में नहीं रहेंगे, और जो रास्ता आज आप दिखा रहे हैं आने वाले दिनों में जब आप अपोजिशन में रहेंगे तो आपके साथ भी इस प्रकार की कार्रवाई संभव है। पीएलएल न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।